वेल, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वीडियो किन लोगों के लिए है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है और जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए सुनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हो, पार्टनर के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो यकीन करो आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें होने वाली है। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। पार्टनर अभी आपसे प्यार नहीं करता है और आप चाहते हो कि पार्टनर फिर से आपसे प्यार करे। अब फिर से प्यार करने का क्या मतलब है कि एक समय पर पार्टनर आपसे प्यार करता था, आपकी केयर करता था और आप उस इंसान को बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते हो जैसे वो इंसान पहले था, लेकिन आज वो इंसान धीरे धीरे बदल गया है। आज वो इंसान आपसे उतना प्यार नहीं करता है, आज वो इंसान आपकी उतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है। इसीलिए आपके मन में एक बात आ रही है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिस वजह से फिर से वो इंसान हमसे वैसे ही प्यार करने लगे। देखो, इंसान के एक छोटे से बिहेवियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान रोज़ एक तरीके का खाना भी नहीं खा सकता है, इंसान एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी भी नहीं सकता। कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है हमें लाइफ में, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि एक ही इंसान के साथ आप काफ़ी लंबे समय के लिए रहते हो, और नो डाउट ये मजबूरी भी आप कह सकते हो और ये ज़रूरी भी आप कह सकते हो। अब कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि वो कुछ कुछ टाइम में किसी और के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर किसी और के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और ऐसे लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते। तो ठीक है, हम खाने में रोज़ कुछ नया नया ट्राई कर सकते हैं, रहने के लिए हमारे घर में हम धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी इंसान की तो वहाँ पर हमें लॉयल बनना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम उस इंसान को भी बदलते रहेंगे किसी और के साथ, किसी और को रिप्लेस कर देंगे, देन ट्रस्ट मी, फिर आपके लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप फिर धोखेबाज बन जाओगे कि आप बस लोगों का दिल तोड़ रहे हो खुद के मतलब के लिए। अब ना एक बात को आप समझना, हर एक रिलेशनशिप में, बहुत ध्यान से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे दोनों में से कोई एक बोर होने लगता है, इंटरेस्ट लूज होने लगता है, बात करने की इतनी इच्छा नहीं होती है, इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है ये शेयर करने की कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अब दोनों में से कोई एक थोड़ा थोड़ा बोर होने लगता है, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता ही है जहाँ पर हो सकता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसा ही टाइम है जहाँ पर पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर पार्टनर की इच्छा नहीं होती है आपसे बात करने की। और यकीन करो, किसी इंसान को समझने का इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता है। जब भी हम खुश होते हैं ना तो हम खुद को फेक बना के रखते हैं। मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है किसी से बात करके, तो उस इंसान के सामने आप अच्छे बनोगे ही बनोगे, जबकि रियल में शायद आप उतने अच्छे ना भी हो। अब पार्टनर का भी यही बिहेवियर रहता है, मान के चलो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते थे, लेकिन आज इंटरेस्ट लूज होने के वजह से उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है। सच्चाई में क्या सामने आ रहा है कि उन्हें आपसे कितना फ़र्क पड़ता है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी बातों को कितने ध्यान से सुनते हैं, वो कितने बुरे तरीके से आपको इग्नोर करते हैं, ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। जब उस इंसान का इंटरेस्ट लूज होता है या जब रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो जाता है, तभी उस इंसान की सच्चाई, या फिर कह लो आपकी सच्चाई, उस इंसान के सामने आती है। क्योंकि शुरुआत में रिलेशनशिप अच्छा ही लगता है, पता तो तब चलता है जब थोड़ा वक्त बीतता है। अब इस बात को आप ध्यान से समझो कि आपको यहाँ पे करना क्या है, एनालाइज। सबसे छोटी बात मैं आपको बताता हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के साइड से कोई गलती मत होने दो और उस इंसान के बिहेवियर को ध्यान से समझो। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ना ये इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको प्यास तो लगी है लेकिन आपको पानी नहीं पीना है।
एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। जब भी हम ये देखते हैं ना कि रिलेशनशिप में पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, पार्टनर हमसे सही से बात नहीं कर रहा है, पार्टनर हमारी केयर नहीं कर रहा है, पार्टनर हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, उस वक्त खुद को शांत करके सिचुएशन को एनालाइज करना, ये देखना कि पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं ना कि पार्टनर ऐसे कैसे बात कर सकता है, तब हम वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस वजह से पार्टनर हमें डायरेक्टली ब्लेम करता है। अब हम उन्हें ही समझाने के लिए वो गलतियाँ कर रहे हैं। हो सकता है बार बार कॉल्स कर देते हो, बार बार मैसेजेस कर देते हो, उनसे बात करने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हो, इस वजह से वो इरिटेट होने लगेंगे और इसी वजह से वो आपको ब्लेम भी करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि सिचुएशन को एनालाइज करना सीखो। देखो, रिलेशनशिप को बचाना ही सब कुछ नहीं होता है, बड़े ध्यान से आप सुनना, रिलेशनशिप को बचाना ही सब कुछ नहीं होता है, सही इंसान के साथ रहना ज़रूरी होता है। मान लो वो इंसान सही है ही नहीं, वो इंसान आपकी केयर नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और कभी आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगा, ऐसे रिलेशनशिप को आप बचा कर भी क्या करोगे? अटैचमेंट की वजह से बचा लोगे, लेकिन अटैचमेंट कब तक चलेगी? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? अटैचमेंट ख़त्म होने के बाद आप दुखी ही होते रहोगे, आप परेशान ही होते रहोगे। इसीलिए रिलेशनशिप को बचाना ही सब कुछ नहीं होता है कि बस रिलेशनशिप को आपने बचा लिया और आपकी ज़िंदगी बदल गई, नहीं, सही इंसान को बचाना ज़रूरी होता है। मान लो वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इंसान सच में उस इंसान का इंटरेस्ट लूज़ हुआ है, तो जब आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना उनके बिहेवियर को, तो वो धीरे धीरे फिर से पहले जैसे बन जाएंगे। उन्हें पहले जैसा बनाने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद के साइड से कोई गलती नहीं करना। देखो, अगर आप एक सही फैसला लेना चाहते हो ना कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं, क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है या फिर नहीं, क्या वो इंसान आपकी केयर करता है या फिर नहीं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने साइड से कोई गलती नहीं होने देना। क्योंकि अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है, तो अगर इंसान अच्छा भी रहा ना, तब भी वो आपको ब्लेम करेगा, और अगर वो इंसान धोखेबाज है या वो इंसान सच में अंदर से बुरा है, तो वो आपकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करेगा। मैं ये भी बात बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत ध्यान से आप समझना, कि हम जब ये देखते हैं ना कि कोई हमसे दूर जा रहा है, कोई हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, उस वक्त हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर आप उस परेशानी में रहकर उन्हें अपना बनाने की कोशिश करोगे, उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, तो फिर वो आपसे और ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। अब इस बात को समझो कि कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, यानी कि ऑफकोर्स अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, तो ज़बरदस्ती उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश मत करो, उनसे उस वक्त ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश मत करो। अब इस वजह से क्या होता है ना, उनका इरिटेशन भी बढ़ता है। तो इस सिचुएशन में करें क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट बना के रखो, कुछ टाइम तक ही ये पार्ट रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे या इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, दिन पता है क्या होगा, दिन ये होगा कि वो 20 दिन के जगह 40 दिन की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और धीरे धीरे वो आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस सिचुएशन को ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश मत करो अगर किसी इंसान का बिहेवियर बदला है तो। और यकीन करो, ये सबसे अच्छा मौका होता है ये समझने का कि उस इंसान के साइड से कितनी सच्चाई है, वो इंसान कितना अच्छा है। अभी भी कह रहा हूँ, गलत इंसान को बचाने में कोई फ़ायदा नहीं है, सही इंसान है तो वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। और रह गई बात उनके प्यार की, क्या उन्होंने प्यार किया था या उन्होंने ड्रामा किया था, क्या वो हमारे फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेल रहे थे, ये सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। बदलने के लिए तैयार मत रहो, देखने के लिए तैयार रहो कि वो इंसान किस हद तक निगेटिविटी दिखा सकता है, वो इंसान किस हद तक आपको इग्नोर कर सकता है। समझाओ, थोड़ी बहुत बातचीत करो, लेकिन एक तरीके में, बस आप लगे हुए हो उनसे बात करने के लिए, लगे हुए हो उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, 1 मिनट उनको छोड़ नहीं रहे हो और ये सोच रहे हो कि इससे आप अपना रिलेशनशिप बचा लोगे। यकीन करो, बचा तो पाओगे ही नहीं, और अगर आपने बचा भी दिया तो ज़िंदगी भर पछताओगे। तब तक पछताओगे जब तक वो इंसान आपके साथ है, और अगर वो इंसान आपसे थोड़ा भी अटैच है ना, देन यकीन करो वो इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो आपका अपना है वो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ज़बरदस्ती उलझ जाते हैं हम,
एक गलत तरीके से सिचुएशन को ठीक करने के लिए। सिचुएशन को ठीक करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप थेरेपीज यूज़ कर सकते हो, आप पार्टनर से सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, सही तरीके से उन्हें समझा सकते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके भी आप रिलेशनशिप को बचा सकते हो, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट रखकर भी आप रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ला सकते हो। लेकिन ये सब तब होता है जब उनके साइड से थोड़ा इंटरेस्ट होता है, थोड़ी उनकी भी इच्छा होती है। लेकिन थोड़ा अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा करने दो, टाइम दे दो उन्हें, क्योंकि जब आप टाइम देते हो ना तभी आपको उस इंसान की सच्चाई पता चलती है, और ये ज़रूरी है। इसीलिए खुद के साइड से कोई गलती मत होने दो, एनालाइज़ करो कि उनका रियल बिहेवियर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में कोई भी डाउट है क्या करना है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। विल आपको बस 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।